गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत भरवलिया गांव में बुधवार को हुई हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर SP दक्षिण विपुल कुमार श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को समझाकर कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने फरार हत्या आरोपी और स्थानीय पुलिस के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया। मामला बेलीपार थाना क्षेत्र के बरवैया गांव का है, जहां बुधवार की सुबह गोली मारकर संत निषाद की हत्या कर दी गई थी। वहीं मृतक के परिजन संजय निषाद का कहना है कि हत्या आरोपी दिनेश निषाद इलाके का हिस्ट्रीशीटर है, बावजूद पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करने से बचती है, जिसकी वजह से दिनेश निषाद ने हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला है। फिलहाल पुलिस ने शव को हटाकर दाह संस्कार के लिए भिजवा दिया है। गौरतलब है कि बुधवार सुबह को पुरानी रंजिश को लेकर बदमाश दिनेश निषाद ने अपने पटीदार संत निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं वारदात के बाद से हत्या आरोपी मौके से फरार हो गया। ऐसे में बृहस्पतिवार की सुबह परिजनों ने शव को गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंचे बेलीपार पुलिस और SP दक्षिणी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाकर जाम खुलवाया है। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बेलीपार थाने में तैनात उप निरीक्षक महेंद्र मिश्रा को निलंबित कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मृतक के परिजन संजय साहनी और SP दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जवाब देंगे उसके उसी गुंडई का जवाब कह दिया बेटा इससे ज़्यादा सवा महीना सुरक्षा लगी थी, ऐसे वो सिलेंडर हो गया, वैसे सब लोग हट गए। हम सब लोग फिर आके डेढ़ ही महीना मांग गया, फिर जिंदा सो गया। करो इस सब हम जितना है मैं यहीं पे रहूँगा। जब जब आ रहा है तो तब ऐसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। गोली चली है और बरामद भी हुई है, लेकिन कभी भी कैंट थाना दिखाया नहीं है ये कि गोली है, जो कि कैमरे में कहती है। मैं मीडिया पे भी ये चीज उठा अगली बार भी पत्रकार आए थे, ये भी मतलब सब कुछ किए, लेकिन ये भी नहीं है। बेंगलोर है, दिल्ली है, अगर कभी कल 10-15 दिन कोई काम होता है या कोई अनहोनी घट जाती है, किसी रिश्तेदार या पहचान के इसमें अगर शामिल होते हैं, उसी दौरान हत्या कर देता है ये। चिंता करेंगे कि अंतिम निर्णय हम जानना चाहते हैं कि उसके विरोध में क्या करेंगे, उसको मौत होने उसके विरोध में क्या करेंगे। हमको सजा नहीं, हम सजा देगा कुछ नहीं, रह नहीं आपको मिलेगी।
डेली कार का है। और ये संत कुमार निषाद जिनकी हत्या इसने किया है, कल 5 लोग मिलकर किए हैं और कम से कम 10-15 फायरिंग किए हैं ये लोग, जिसमें से 4 गोलियां इनके सर पे और शरीर पे लगी हुई है। ऑन दिस स्पॉट इनकी मौत हुई है सर, ठीक है। और ये 307 का मुकदमा ऑलरेडी एक बार इसने कोशिश किया था, बाईपास रोड देवरिया बाईपास रोड संत कुमार के ऊपर हत्या का प्रयास भी किया था, जो कि मुकदमा दर्ज है, ठीक है। पुलिस प्रशासन पे अधिकारियों को इतना एप्लीकेशन दिया गया कि कोई ना कोई कार्रवाई करिए ताकि मेरी जान सुरक्षित रह सके, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने की वजह से आज उनकी हत्या हो गई है संत कुमार निषाद की। मेरा नाम संजय सानी है, मेरे ऊपर भी ये 2 बार हमला कर चुका है, ठीक है। अगला नंबर मेरा है, ठीक है। गाँव में 3-4 लोग और भी हैं जिनका ये नंबर लेकर बैठा है कि आज इसको मारेंगे कल उसको मारेंगे, और पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, खुला घूमता है। बस आतंकवादी घोषित नहीं कर रहे हैं लोग, कोई गिरफ्तारी करते नहीं है। कल यहाँ पे एक संत कुमार जी की हत्या कर दी गई थी, इसके संबंध में ग्रामीण जन और जो पारिवारिक जन है उनके द्वारा रोड पे 100 रख के कुछ मांग की गई। मांग में मुख्तः मांग यही थी कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए और अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद इन लोगों ने जाम बॉडी को अपने हटवाया वहाँ से। अब परिस्थितियाँ सामान्य हैं।